हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केस ज्ञान की कहानी सबकी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीश। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विराट कोहली ने सबसे तेजी से पूरे किए हैं 15,000 इंटरनेशनल रन। तो आइए हम जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी को। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 मैच के दौरान टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने एक और उपलब्धि हासिल की। बल्लेबाजी के दौरान 7वां रन लेने के साथ ही कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 15,000 रन पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वो भारत के 7वें और दुनिया के 33वें क्रिकेटर हैं। दोस्तों, खास बात ये है कि कोहली ने इस उपलब्धि को सबसे तेज हासिल किया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और MS धोनी के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को मिलाकर 15,000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली 7वें भारतीय बल्लेबाज हैं। कोहली सबसे तेजी से इस क्लब में शामिल हुए हैं और 15,000 रन बनाने के लिए कोहली ने 333 पारियां खेली। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के हासिम आमला के नाम था। आमला ने 336 पारियों में 15,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए थे। कोहली ने बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में 82 रनों की तूफानी पारी खेली। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इनके डिटेल के बारे में कि कौन से मैच में इन्होंने कैसा रन बनाया। इन्होंने 60 टेस्ट मैचों में अब तक 4,658 रन बनाए हैं और 194 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 8,587 रन बनाए हैं। और T20 मैच की अगर बात करें तो 50 T20 इंटरनेशनल मैचों में इन्होंने 1,830 रन बना चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी विराट कोहली के 15,000 इंटरनेशनल रन बनाने के पीछे की कहानी। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।